ईश्वर से जुड़ने का मार्ग है धर्म। धर्म के पथ पर चलकर ही ईश्वरीय शक्तियों से साक्षात्कार संभव है। कहते हैं जिसने धर्म का साथ दिया ईश्वर उसके साथ हमेशा रहते हैं। नमस्कार, मैं हूं पयोधि शशि और आप मेरे साथ धर्म यात्रा पर हैं। कहते हैं धर्म में बताई गई पूजा उपासना से ईश्वर प्रसन्न होते हैं, पर कभी कभी लोगों की ये शिकायत होती है कि धर्म के मार्ग पर चलने के बावजूद, धर्म शास्त्रों में बताए गए सभी कर्मों को करने के बाद भी उन्हें ईश्वर की अनुभूति नहीं होती। तो आज धर्म यात्रा में बताएंगे क्यों कभी कभी आपकी पूजा और उपासना का फल आपको नहीं मिलता। तो चलिए करते हैं शुरुआत धर्म यात्रा की। ईश्वर तक पहुंचने के कई रास्ते हैं। इन्हीं रास्तों में से एक है प्रार्थना। कहते हैं सच्चे मन से और पूरी ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। भक्ति से की गई प्रार्थना जरूर स्वीकार होती है। हर इंसान अपने अपने तरीके से ईश्वर से जुड़ने की कोशिश करता है, पर कुछ ही लोग ईश्वर की अनुभूति कर पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए सभी प्रार्थना करते हैं, तो किसी की प्रार्थना क्यों बेअसर रह जाती है? आज के अंक में हम आपको यही बताएंगे कि क्यों कुछ लोगों की प्रार्थना स्वीकार हो जाती है, जबकि कुछ लोगों की प्रार्थना का फल उन्हें नहीं मिल पाता। गौर से देखिएगा। प्रार्थना यानी पवित्रता के साथ परम शक्ति से किया गया अर्चन, ईश्वर से सरल शब्दों में किया गया संवाद ही प्रार्थना है। प्रार्थना इंसान के मन की आवाज है जो परमात्मा तक पहुंचती है। कहते हैं सही तरीके से की गई प्रार्थना से हर मनोकामना जरूर पूरी हो जाती है। प्रार्थना में बहुत ही शक्ति होती है और वो शक्ति तब और बढ़ जाती है जब कई लोग एक साथ प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना की शक्ति इतनी होती है कि वो प्रकृति में बदलाव लाकर आपकी मनचाही इच्छा पूरी कर सकती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे करें प्रार्थना? तो चलिए आपको प्रभावशाली तरीके से प्रार्थना करने का सटीक तरीका बताते हैं। सबसे पहले एक एकांत स्थान में बैठें, उसके बाद अपनी रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखें। फिर सबसे पहले अपने ईष्ट गुरु या ईश्वर का ध्यान करें। उसके बाद जो प्रार्थना करनी है उसे कहें। अपनी प्रार्थना को गोपनीय रखने की कोशिश करें। जब भी मौका मिले अपनी प्रार्थना दोहराते रहें। याद रखें, प्रार्थना करते वक्त ईश्वर में आस्था और विश्वास को कम ना होने दें। एक बात तो पक्की है, अगर आपने इन तरीकों को अपनाकर प्रार्थना की तो यकीनन आपकी सारी अच्छी प्रार्थनाएं स्वीकार जरूर होंगी। बस सच्चे मन से अपने ईश्वर को याद करके प्रार्थना करें और बार बार ये प्रार्थना दोहराते रहें, क्योंकि सच्चे मन और दिल से निकलने वाली प्रार्थना ईश्वर जरूर सुनते हैं। तभी तो कहा गया है कि परम शक्ति तक अपनी प्रार्थना पहुंचानी है तो मुख बंद रखिए और हृदय से खुलकर कहिए। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि प्रार्थना सुनकर प्रभु हर कार्य सिद्ध कर देते हैं, लेकिन सच तो ये है कि प्रार्थना का अर्थ ये कतई नहीं है कि आप कर्म छोड़कर मंदिर में बैठे रहें, आरती ही करते रहें या फिर घंटियां ही बजाते रहें। ईश्वर कभी भी आपके कर्म खुद आकर इस धरती पर नहीं करते, बल्कि ईश्वर आप में ही इतनी शक्ति भर देते हैं, आपको ऐसे जरिए दिखा देते हैं कि आपके काम सरलता से होते चले जाते हैं। दरअसल प्रार्थना व्यक्ति को आंतरिक मजबूती प्रदान करती है। प्रार्थना व्यक्ति के विचारों और इच्छाओं को सकारात्मक बनाती है। प्रार्थना से जुड़ी कुछ और जरूरी बातें अब आपको आगे बताते हैं। प्रार्थना से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह तेजी से होता है। प्रार्थना करने के साथ ही कर्म करने से प्रार्थना का फल जरूर मिलता है। याद रखें, कर्म का स्थान प्रार्थना कभी नहीं ले सकती और प्रार्थना का स्थान कर्म नहीं ले सकता। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने प्रार्थना के इसी महत्व को बताया है। गीता में लिखा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी तेरा कर्म में ही विश्वास हो, फल की इच्छा में नहीं, क्योंकि तेरे द्वारा जो भी कर्म किया जाएगा उसका फल तुझे जरूर मिलेगा। प्रार्थना के मूल में यही भाव है कि कर्म तो व्यक्ति को करना ही होगा,
क्योंकि उसके किए गए कर्म का फल निष्फल नहीं जाता, लेकिन उस कर्म को करने की प्रेरणा प्रार्थना से मिलती है। इसलिए आप भी कर्म तो करें ही, साथ ही सच्चे मन से प्रार्थना भी करें, ताकि ईश्वर आपको आपके कर्मों का सकारात्मक फल जल्दी दे। कुछ लोग स्तुति प्रार्थना को एक समान मानते हैं, पर ऐसा नहीं है। किसी ईश्वरीय शक्ति की स्तुति करना और उनसे प्रार्थना करने का सही मतलब क्या है? प्रतिदिन प्रार्थना करने के लाभ क्या क्या होते हैं, चलिए अब आपको ये बताते हैं। असर दिखाती है एकाग्र मन से की गई प्रार्थना। ईश्वर सुनते हैं सच्चे मन और पूरी श्रद्धा से की गई आपकी हर कामना। ईश्वर से प्रार्थना करते समय कई लोग उनकी स्तुति भी करते हैं, पर स्तुति और प्रार्थना एक नहीं बल्कि दो अलग अलग तरीके हैं ईश्वर से जुड़ने के। स्तुति का अर्थ है अपने इष्ट देव की प्रशंसा करना, उनकी महिमा का गुणगान करना, जबकि प्रार्थना अपने इष्ट देव से कुछ प्राप्ति के लिए किया गया आत्मनिवेदन है। पर यहाँ प्रार्थना में किए गए आत्मनिवेदन को कुछ लोग याचना भी समझ लेते हैं, लेकिन यहाँ ये समझना भी जरूरी है कि प्रार्थना का अर्थ याचना नहीं है। दरअसल ईश्वर और मानव के प्रति एकत्व का माध्यम है प्रार्थना। प्रार्थना आत्मा की पुकार है जो उस परमात्मा से जुड़ जाती है। प्रार्थना आत्म शुद्धि का आवाहन है। प्रार्थना से जहां व्यक्ति में ईश्वर के प्रति विश्वास और आस्था का भाव बढ़ता है, तो वहीं पूर्ण भक्ति और आस्था से की गई बार बार प्रार्थना अपना असर भी जरूर दिखाती है। तभी तो सदियों से ईष्ट देव से प्रार्थना करने का विधान है। तो अपनी कामना सिद्धि के लिए आप भी करें अपनी ईष्ट देव से प्रार्थना। भक्ति भाव से पूर्ण होगी जब आपकी प्रार्थना, तो जरूर पूरी होगी आपकी मनचाही कामना। धर्म यात्रा में आज के लिए इतना ही। अगले अंक में आपके लिए धर्म से जुड़े कुछ और रोचक विषय लेकर आएंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत और अपना रखिए ख्याल और देखते रहिए जी न्यूज। ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।